जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संजय। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में हम लोगों को एक एक्सट्रीम वॉलेटाइल सेशन प्लस एंड में एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो सेम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी दिखाई दिया और एंड में बहुत अच्छी क्लोजिंग हम लोगों को बैंक निफ्टी में भी दिखाई दी। तो लगातार बाजार जो है वो कोई भी गिरावट हो रही है उसमें बाइंग आ जाती है और उसके बाद वॉलेटिलिटी के साथ जो है एक ऊपर की साइड का ट्रेंड धीरे 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 हम लोग को देखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोग एक सवाल बहुत पूछते हैं कि यार बाज़ार इतना धीरे ऊपर क्यों जा रहा है, व्हाई मार्केट इज़ स्लो व्हेन इट्स मूविंग अप। उसका मेन रीज़न है इंडिया विक्स। आपको बाज़ार तो ऊपर जाता दिख रहा है बट क्या आप पूरे दिन किसी कॉल ऑप्शन को होल्ड करके बैठे रह सकते हो क्या इस बाज़ार में? नहीं रह सकते, क्योंकि एक जब जंप आता है मार्केट में, स्पाइक आता है, वो पीक पॉइंट होता है कॉल ऑप्शन का, वहाँ पे आपको एग्जिट करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आपने वहाँ पे एग्जिट नहीं किया ना, उसके बाद बाज़ार उस पॉइंट से ऊपर भी चला जाए तो भी आपको जो है उसमें फ़ायदा नहीं होगा। और ये चीज़ हम लोगों को काफ़ी टाइम से देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडिया विक्स 11.5 के आसपास है, वन ऑफ द लोएस्ट ट्रेजेक्ट्री इंडिया विक्स की बनी हुई है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिस हिसाब का डेटा बना है एवरीथिंग लुक्स बुलिश, सब चीज़ें स्ट्रांग हैं, बस एक चीज़ जो कंसर्न बनी हुई है जिसका हमने कल भी डिस्कस किया था वह ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स हमारी इस जो बोलते हैं ना आउट परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हैं। क्या पूरी सिचुएशन है ग्लोब में, क्या सिचुएशन बनी हुई है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 4000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, इस वक्त अमरीकी बाज़ार के जो फ्यूचर्स हैं वो अल्फाबेट की अर्निंग की वजह से नैसडेक 150 पॉइंट ऊपर है, डाओ 50-60 पॉइंट ऊपर था बट वो दोबारा से 25 पॉइंट नीचे आ गया है। और डाओ को मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की, जिसकी हमने कल डिस्कशन किया था, लगभग 24% नीचे वो प्री मार्केट में था, 50% नीचे वो जो है कल कंटिन्यूस मार्केट में बंद हुआ है और आज भी 7% नीचे प्री मार्केट में वो चल रहा है, 90% जो है वो टूट चुका है। और दिक्कत ये तब आ रही है जब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को कई बड़े बैंक्स ने बचाने की कोशिश करी है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कुछ बड़े बैंक्स ने जो है वो बचाने की कोशिश करी है, उसके बावजूद जो डिपॉजिट्स हैं वो 45% घट गए हैं। अब किसी भी बैंक में मान लीजिए पैनिक मचता है या किसी बैंक के अगेंस्ट पैनिक मचता है और बहुत सारे लोग एक साथ विड्रॉ मांग लेते हैं, तो डेफिनेटली उस बैंक के लिए या किसी के लिए भी दिक्कत हो सकती है, किसी फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल कंपनी के लिए। तो इस वजह से ये दिक्कत हो रही है अभी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को, और वो चीज़ अगर ट्रिकल डाउन करती है बाकी बैंक्स में, जो बोलते हैं ना सारी जगह जो है ये चीज़ें फैलती हैं, तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और हम देखियो, हम लोग इम्यून हैं अभी तक हम लोग बचे हुए हैं, अभी तक हमारे बाज़ारों में इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आया। कल डाओ 400 पॉइंट नीचे बंद हुआ, नैसडैक 2% नीचे बंद हुआ, हमने उसको आउट परफॉर्म किया है, बट कब तक ये अपने माइंड में हमेशा रखना। ये ना हो कि मार्केट तेज़ है, सब कुछ तेज़ है, सब कुछ बढ़िया है और ये लोग एक बार के लिए इस लेवल के आसपास माला टांग दें लोगों को और एकदम से मार्केट में एक सडन डिप हमें देखने को मिले, एक सडन जो बोलते हैं ना कट डाउन मार्केट में देखने को मिले। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कंसिडरिंग द ग्लोबल सेंटिमेंट, मैं आपको थोड़ा बियरिश साउंड कर रहा हूँगा बट यहाँ पे बुल एंड बियर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रियलिस्टिक बनने की ज़रूरत है। मैं दो दिन पहले भी रियलिस्टिक था जब मैं आपको 17600 पे बोल रहा था कि यहाँ पे सेल मत करो, और प्राइस एक्शन वाइज अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है भाई, प्राइस एक्शन वाइज हम हाई पे क्लोज कर रहे हैं, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। बट ये जो ग्लोबल चीज़ें चल रही है ना बैंकों को लेकर, ये अगर एस्केलेट होती हैं
तो इस बार जो एस्केलेशन होगा वो बहुत बुरा होगा, क्योंकि फेड बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो जाएगा। ये 2 मई को जो इनकी बैठक होनी है अगले अगले वीक, फेड बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा, तो इसके ऊपर अपने को थोड़ा ध्यान देना है। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन मार्केट्स की, आधा से 1%, आधा से 0.25% के आसपास डाउन है। अराउंड द ग्लोब एशियन मार्केट्स की बात करते हैं तो चाइनीज़ मार्केट बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के साथ बंद हुए थे, निक्केई 1% नीचे बंद हुआ था, और हमारे मार्केट्स ने तो आउट परफॉर्म किया ही है अगर हम बात करते हैं तो। अब देखो, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स इस वक्त कौन सा है? आप सभी को पता है, बैंक निफ्टी। अगर वीकनेस का साइन पहला किसी इंडेक्स से आपको लेना है, अगर आपको देखना है कि हाँ यार विक्स भी बढ़ रहा है और चीजें भी खराब हो रही हैं, तो यहां पे मेरे को पुट लेनी चाहिए, तब आपको जो है वो पहला साइन जो मिलेगा वो बैंक निफ्टी से मिलेगा, क्योंकि दिक्कत इस वक्त ग्लोबल बैंकों में है। हमारा आईटी स्टेबल है, थोड़ा शांत है, बट जो आईटी का जो मेन बिजनेस है या मेन जो पैसा है वो विदेशी बैंकों में है, वहां से आता है, फाइनेंशियल से आता है, तो इस वजह से हो सकता है इसकी वजह से हमारे आईटी के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर हो। ठीक है, यहाँ पे कोई बुल बियर बनने की बात नहीं है, अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि यार मैं बुल हूँ या बियर हूँ, मेरे को किस तरीके से चलना है। प्राइस एक्शन वाइज सब कुछ बढ़िया है, बट देर आर सम कंसर्न्स जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। अब सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे चलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोर देन 89,000 से ज़्यादा हमारे ऑलरेडी मेंबर्स हैं। यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने कुछ लेवल्स डिसाइड किए थे फॉर निफ्टी। 17,800, 810 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। फ्रेश बाइंग मोमेंटम वुड इमर्ज अबव दिस लेवल ओनली। पूरे दिन नहीं आया, यहीं पे रुक गया। बैंक निफ्टी 42,450, 42,475 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। फ्रेश सेलिंग मोमेंटम वुड इमर्ज बिलो दिस लेवल ओनली। अगर हम बैंक निफ्टी में चलते हैं, यहाँ पे जो लो लगा है वो एग्जैक्ट 42,450 के आसपास लगा है, तो लेवल से बाजार चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट सपोर्ट जोन से ही मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के निकल गया और काफ़ी अच्छा ट्रेंड भी ऊपर की साइड में मिला। हम लोगों ने प्ले कैसे किया, हम लोगों ने एक बैंक निफ्टी का 43,000 का कॉल ऑप्शन लिया था 28 रुपीज़ में। हाई इसका लगभग 54-55 के आसपास लगा है, डबल ये होता हुआ दिखाई दिया है। साथ में स्मॉल अकाउंट ग्रुप में भी आज अच्छा एक ट्रेड बना हमारा, 17,850 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। पहले अपना एसएल लगा एक पुट ऑप्शन में, लेकिन जल्दी काट लिया भाई। ट्रेडिंग का मकसद क्या होता है, अपने जो एसएल्स हैं उनको जल्दी काटो। 4 रुपये के लॉस में अपन ने एसएल काटा, उसके बाद निफ्टी का कॉल डबल होता हुआ दिखाई दिया, डबल से भी ज़्यादा वहाँ पर अपना अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो इट वॉज़ अ डिसेंट डे। मतलब जितना हमें मिल सकता है उतना हम जो है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल के लिए क्या, देखो ग्लोबल सेंटीमेंट की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। अब कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, मैं सारी सीपीआर वगैरह रिमूव कर देता हूँ, आई विल जस्ट गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। टेक्निकली हम लोगों ने ब्रेकआउट दे दिया है और क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये जो काइंड ऑफ डबल टॉप बना था, बहुत सारे लोग इसको बोल रहे थे कि संचित भाई ये एक हेड एंड शोल्डर भी बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ये एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, बट मार्केट ने अपनी ताकत कहाँ दिखाई कि पहले सपोर्ट जोन से ही बाजार घूम गया, पहले सपोर्ट जोन से ही बाजार घूम गया और एंड में क्लोजिंग भी बहुत अच्छी की, ये 3 PM की कैंडल बहुत अच्छी बनी। तो अब आपको क्या देखना है, थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो क्लियर कट है, मार्केट ने ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट ब्रेकआउट एंड देन इनसाइड कैंडल बना के दोबारा से एक काइंड ऑफ डोजी बना के ऊपर जाने की ये कोशिश कर रहा है। अब इसके पास दिक्कत क्या है, दिक्कत है ये पॉइंट, अगर इस बाजार को बड़ा ब्रेकआउट करना है तो 43,000, 43,100 के ऊपर एक डेली क्लोज देना पड़ेगा। मेरे को मतलब नहीं है ये कल आए, परसों आए, एक हफ्ते बाद आए, बट अगर इसे बड़ा ब्रेकआउट देना है तो इन लेवल्स के आसपास ब्रेकआउट देना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास हैं बड़े सेलर्स। अगर आप देखो बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी थी भाई, 2-3 दिन में ही साफ हो गया था मामला। ठीक है, तो अगर ये 2-3 दिन में मामला साफ नहीं करना है
अगर आप देखो कैंडल का साइज 42,700 से 41,400, 13,1400 पॉइंट की कैंडल्स बनी है इस लेवल के आसपास। तो अगर ये दोबारा से सेलर्स को एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिल जाएगा सेल करने के लिए, तो बेस्ट चीज़ क्या होगी? बेस्ट चीज़ होगी हम इस लेवल के ऊपर ही खुल जाएं, कल 200-300 पॉइंट का गैप अप ही हो जाए तो क्या ही कहने भाई, ठीक है। बट अगर वो चीज़ नहीं होती है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बाजार यहाँ पे रिएक्ट करता है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चल के कुछ लेवल्स आपको बता देता हूँ जो आपकी मदद करेंगे कल के लिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो अभी बना हुआ है वो लेवल क्लियर कट है, वो थोड़ा हम ऊपर आ जाएंगे क्योंकि अब बाजार थोड़ा ऊपर आ गया, तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो थोड़ा आप शिफ्ट करते जाइए, 42,590, ठीक है। आज जैसे 42,450 का लेवल था जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, 42,590 आपको ध्यान में रखना है। इस लेवल के नीचे अगर बाजार जाता है शॉर्ट कर दीजिएगा, शॉर्ट करने के बाद आपको टारगेट जो मिलेंगे वो मिलेंगे अराउंड 42,450 के आसपास। बिग ब्रेकआउट विड एमर्ज अबव 42,850, 42,840-42,850 के ऊपर अगर जाता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 43,050 तक का अटेम्प्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट अभी हम बाजार से कुछ नहीं कर रहे 11.5 के वीक्स के ऊपर। निफ्टी के ऊपर चलते हैं। निफ्टी बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो एक बड़ा रेजिस्टेंस अब निफ्टी के सामने खड़ा है, दैट इज 17,844। 17,844 के ऊपर जब तक ये बाजार नहीं निकलता हम लोग बाय नहीं करेंगे, क्लियर कट है अपना। 17,840-8,850 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है वी विल नॉट बाय इट। डाउन साइड में मेरे लिए जो मेजर स्विंग है जिसके ऊपर बाजार सपोर्ट ले रहा है एंड आई थिंक उसके नीचे ही शॉर्ट बनता है, वो लेवल जो मेरे को दिखाई दे रहा है दैट इज 17,730। तो आपके लिए कल क्या हो गया ना, ये जो रेंज होगा ये नॉन ट्रेडेबल हो गई, इसमें कुछ नहीं होगा भाई, वॉलेटिलिटी होगी, एक रेड एक ग्रीन कैंडल, एक रेड एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनाएंगे, टाइम पास करेंगे और कुछ नहीं होगा। तो 17,840-50 के ऊपर ब्रेकआउट, 17,730 के नीचे ब्रेकडाउन, 100 पॉइंट्स ऊपर, मतलब कहाँ तक का ये ऊपर जा सकता है, 17,950-960 तक ऊपर, और डाउन साइड में 17,660-650 तक ऑन द डाउन साइड, ये हमारा व्यू रहेगा एक्सपायरी के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, कल मंथली एक्सपायरी है तो एक्सपेक्ट सम फायरवर्क्स ऑन द मार्केट्स। जय हिंद, वंदे मातरम।